हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V27 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन इस सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड ये आपको ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेट, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब आपको जो है ना साउंड एंड वाइब्रेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेट फॉर नोटिफिकेशन, ठीक है। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये जो बटन दे रखा है ना, इस बटन को आपको सेलेक्ट करना है। तो ये बटन आपका ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपके मोबाइल फोन पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपका फोन जो है ना सिर्फ साउंड क्रिएट करेगा नोटिफिकेशन की, लेकिन वाइब्रेट बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। ये सेटिंग जो है ना डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फोन में, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कैसे आप इस सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है, और यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन, ठीक है। तो जब आप सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे ना, तो आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहां पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे ना, तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना यहां पर, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। इस बात का ध्यान रखना है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाता है ना, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है इस तरीके से। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।